नमः शिवाय। जब वास्तु में हम चेंजेस की बात करते हैं, ऑल्ट्रेशंस की बात करते हैं, तो किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो नक्शा है वो प्योर वास्तु फ्रेंडली हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन मैंने ये देखा कि कभी भी आप वास्तु फ्रेंडली नक्शा नहीं बना सकते अगर आपके फ्लोर के नीचे कुछ और वास्तु है, आपके फ्लोर के ऊपर कुछ और वास्तु है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आप चाहते हैं हटाना और वहाँ पे आप बना देते हैं मंदिर। बहुत सी जगह पर मैं गया तो मैंने यही देखा कि सर नीचे तो यहाँ पे पहले टॉयलेट था और हमने इसको तोड़ के ना मंदिर बना दिया। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके नीचे वाले फ्लोर में भी मंदिर बना हुआ है या टॉयलेट बना हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर में भी मंदिर बना हुआ है या टॉयलेट बना हुआ है। तो उन्होंने कहा सर नहीं, वहाँ तो कोई बाहर की फैमिली रहती है, कुछ यूरोपियन लोग रहते हैं, तो उन्होंने तो टॉयलेट ही रखा हुआ है, और कुछ दूसरे लोग रहते हैं वो वास्तु पे विश्वास नहीं करते ऊपर वाले, और उन्होंने भी टॉयलेट रखा हुआ है। तो आप सोचिए, मुझे तो याद आ गया कि ब्रेड और जैम बचपन में कैसे खाते थे कि दो ब्रेड के स्लाइसेस और बीच में जैम। तो क्या आपका मंदिर दो टॉयलेट्स के बीच में जैम नहीं बन गया? तो आपने वास्तु ठीक तो करनी चाहिए लेकिन और बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। आप टॉयलेट के ऊपर और टॉयलेट के नीचे बैठ कर के पूजा कर रहे हैं, भगवान को वहाँ बिठा रहे हैं जहाँ टॉयलेट्स हैं, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार और बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन नहीं बनी हुई है और किसी की किचन बनी हुई है, तो आप किसी की किचन के ऊपर अपना बेडरूम बना लेते हैं या बेडरूम की जगह किचन बना लेते हैं, नीचे उनका टॉयलेट होता है। तो कई प्रकार से ट्रबल आती है। ऐसा ही केस मैं देख चुका हूँ कि साउथ ईस्ट में बेडरूम और टॉयलेट था नीचे वाले फ्लोर में। जब आपके फ्लोर की बात करते हैं तो उसमें आपने कहा कि हमें बेडरूम तो नहीं चाहिए क्योंकि आप नहीं बनाने देते हैं, और साउथ ईस्ट में किचन होती है तो किचन का कुछ पार्ट टॉयलेट के ऊपर भी आ गया। तो वो किचन बिल्कुल भी ठीक नहीं बना, ऊपर भी टॉयलेट, नीचे भी टॉयलेट, बीच में आपका किचन। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप ऐसा फ्लैट ले जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज पॉसिबल हो, अदरवाइज़ उस ऑल्ट्रेशन की, उस वास्तु चेंजेस की कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान देना है आपको। नमः शिवाय।